आज अर्थात 12 जुलाई 2022 से पूरे 103 दिन अर्थात 17 जनवरी 2023 तक शनि महाराज कुंभ राशि को छोड़कर मकर राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। और शनि देव के इस राशि परिवर्तन से 5 राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा बहुत बड़ा बदलाव, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि आज से लेकर पूरे 103 दिन शनि महाराज दोनों हाथों से भरने जा रहे हैं इन 5 राशि वाले जातकों की झोलियां। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आइए जानते हैं कौन सी है वह सर्वप्रथम राशि जिस राशि के लिए शनि महाराज राशि परिवर्तन कर ना सिर्फ एक ऊंचाइयां प्रदान करेंगे अपितु आपके लिए एक महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करने जा रहे हैं। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, ये फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। तो पहली राशि जिस राशि के लिए शनि महाराज आज से पूरे 103 दिन दोनों हाथ से भरने जा रहे हैं झोलियां, वह राशि होगी मित्रों मेष राशि। जी हां, मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज सम ग्रहों की संज्ञा में होते हैं। वर्तमान समय में ये आपके एकादश भाव में संचरण कर रहे थे, किंतु आज से ये आपके कर्म भाव में प्रवेश कर ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और इस स्थिति के चलते निश्चित रूप से शनि महाराज आपको कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। विदेश से बहुत बड़े लाभ दिलाने की स्थितियां आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। विदेश में व्यापार करना चाह रहे हैं, विदेश में सेटलमेंट की स्थिति के लिए विचार कर रहे हैं, ये 103 दिन निश्चित रूप से आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। आपको सफलता दिलाने के लिए शनि महाराज इस ड्यूरेशन में बाध्य है। इसी के साथ में भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, दाम्पत्य जीवन में आपको मधुर संबंध बनाकर देंगे, दैनिक रोजगार में वृद्धि के साथ साथ आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे और आपकी मनोरथों को पूर्ण करने का आशीर्वाद शनि महाराज की कृपा से आपके लिए निर्मित होने जा रहा है। अद्भुत ये 103 दिन रहने वाले हैं। यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी बनी हुई है, आपके लिए ये 103 दिन निश्चित रूप से रहेंगे यादगार। दूसरी राशि जिस राशि के लिए शनि महाराज पूरे 103 दिनों के लिए खोलने जा रहे हैं भाग्य के द्वार, जी हां, या फिर इसे ऐसा समझिए कि इन 103 दिनों में जहां आप हाथ डालेंगे वहां से निकलकर आएगी सफलता, वह राशि होगी मित्रों वृष राशि। वृष राशि के लिए शनि महाराज एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है। वर्तमान समय में ये आपके केंद्र में संचरण कर रहे हैं अर्थात कर्म भाव में संचरण कर रहे हैं, किंतु आज से ये आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य में प्रवेश कर रहे हैं। और गोचरी अवस्था में अगर भाग्येश भाग्य में प्रवेश करे और आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बना हुआ है, तो निसंकोच कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जहां हाथ डाले वहां से सफलता प्रदान करने की स्थिति को निर्मित करते हैं। आपकी आय में वृद्धि करेंगे, आपकी मनोरथों को पूर्ण करेंगे, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां आपके पक्ष में लाएंगे, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल कॉम्पिटिशन इन सब में आपको असफलता के चलते मानसिक तनाव देखने को मिल रहा है वो भी निश्चित रूप से होने जा रहा है समाप्त। कर्ज की स्थितियों से भी आपको मुक्ति प्रदान करने के साथ साथ में कॉम्पिटिशन में दिलाते हुए पाए जाएंगे सफलता। बहुत अद्भुत ये योग है, इस समय का सदुपयोग अवश्य रूप से करने का प्रयास कीजिएगा। अगली राशि जिस राशि के लिए आकस्मिक लाभ के द्वार शनि महाराज की कृपा से पूरे 103 दिनों के लिए खुलने जा रहे हैं, वह राशि होगी मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज पंचमेश होकर पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। पहली स्थिति में यदि आप कोई जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनको तो आकस्मिक लाभ की स्थितियों का निर्माण कर देंगे ही देंगे। साथ ही यदि कन्या राशि के एक जातक हैं आप और विद्यार्थी भी हैं, तो विद्या क्षेत्र के लिए ये 100 दिन आपको जीवन में सफलता के स्तंभ में मजबूत नींव स्तंभ करने का अवसर प्रदान करने आए हैं। और यदि आपने एकाग्रचित्तता से अपने विद्या के ऊपर फोकस किया, तो
तो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे साधारण किसी प्रकार की आप विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ में स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो समाप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध की स्थितियां बनेगी। मनोरथ पूर्ण करने की स्थिति बहुत ही सिद्धिकरण में आपको फल देने वाले हैं। कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना जो काफी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, अब होकर रहेगी पूर्ण। आपकी आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। कुटुंब परिवार में यश मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ ही धन से संबंधित यदि कोई कार्य आपके रुके हुए हैं, वो भी होने जा रहे हैं अवश्य रूप से पूर्ण। अगली राशि जिस राशि के लिए शनि महाराज पुनः से ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण कर आपको बनाने जा रहे हैं सफलता का एक नया आयाम, वह राशि होगी मित्रों तुला राशि। जी हां, तुला राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ के स्वामी होकर चतुर्थ में प्रवेश कर ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। किसी भी प्रकार से पेरेंटल प्रॉपर्टी में यदि कोई विवादास्पद स्थिति देखने को मिल रही है, वो समाप्ति की तरफ जाएगी। आपका पक्ष दर्शाती हुई पाई जाएगी। कोई भूमि भवन वाहन आपने प्रारंभ तो कर दिया, घर बनाना प्रारंभ कर दिया किसी, किंतु किसी ना किसी कारणवश उसमें रुकावटें देखने को मिल रही है, तो वो भी अवश्य होकर रहेगी पूर्ण। कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए बेहद खास बना हुआ है। यहां मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगा, यदि आप कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे हैं, मैं विशेष रूप से यदि कोई भवन खरीदना चाह रहे हैं, तो लैंड ना लेकर बना बनाया कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ यदि मकान आप लेते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता के योग देखने को मिलेंगे। जॉब करने वाले जातकों को प्रमोशन देखने को मिलेगा। स्ट्रेस देखने को मिल रहा है जॉब में, वो समाप्त होगा। बॉस कलीग आपकी लैग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, वो समाप्ति की तरफ जा रहा है। कर्म क्षेत्र में आपको प्रशंसा प्राप्त हो इस प्रकार की स्थिति का योग बनेगा। व्यापारी जो विशेष रूप से व्यापार ही कर रहे हैं और उसमें भी शनि संबंधित व्यापार कर रहे हैं, उनको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति का योग शनि महाराज की कृपा से प्राप्त होने जा रहा है। इसी के साथ में आपके व्यक्तित्व अर्थात लग्न पर जो शनि महाराज की दृष्टि रहेगी, ये आपको न्याय प्रियता की मूर्ति बनाने जा रही है। सत्य का साथ देने की स्थिति, गलत को गलत कहना, सत्य को सत्य कहना, चाहे गलत हमारे घर के ही सदस्य क्यों ना हो, किंतु यदि गलत है तो उन्हें आप स्वीकारत कर गलत ही साबित करेंगे। इस प्रकार की दिव्य मूर्ति जो कि आपके सही निर्णय के ऊपर आपको समाज में, परिवार में, कुटुंब में यश मान और प्रतिष्ठा प्रदान करे, आपके जो निर्णय हो ये काबिले तारीफ हो, इस प्रकार की विशेष अवस्था आपको अपने अंदर ही देखने को मिलने जा रही है। और अंतिम राशि जिस राशि के लिए शनि महाराज ससा महापुरुष राजयोग के चलते देने जा रहे हैं जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, वह राशि होगी शनि महाराज की स्वयं की ही राशि मकर राशि। जी हां, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज लग्न में ही पुनः से विराजमान होने जा रहे हैं। आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बड़ा स्ट्रांग कर देंगे। आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे, ना सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के अंदर बहुत सहायक स्वरूप बनाकर देंगे। मेहनत आपके द्वारा जो की जाएगी, इसमें पूर्ण रूप से आपको सफलता प्रदान करेंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको पदोन्नति का योग और आर्थिक दृष्टिकोण से आपको पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। साथ ही आप देखेंगे तो दैनिक रोजगार में वृद्धि, जो भी आपका नित्य आय का स्रोत है उसमें वृद्धि करेंगे। पार्टनरशिप यदि आप करना चाहते हैं, इसमें आपको सफलता का योग बना कर देंगे। और दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थितियों को निर्मित करने जा रहे हैं। तो इन पांच राशि वाले जातकों के लिए ये 103 दिन यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में अच्छे बने हुए हैं, अद्भुत रूप से देखने को मिलेंगे आपको लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।